नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट से करते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की 8वीं बैठक आज हो रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में बैठक होगी। विकसित भारत 2047 में टीम इंडिया की भूमिका पर चर्चा होगी। 2047 का विजन जो है वो रखा जाएगा। सभी राज्यों के सीएम बैठक में शामिल होंगे और सीएम शिवराज, सीएम भूपेश सिंह बघेल भी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भगवंत मान, चंद्रशेखर राव ने किनारा किया है बैठक से। एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश को लेकर चर्चा होगी। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण कौशल विकास पर चर्चा होगी बैठक में। गति शक्ति समेत प्रमुख विषयों पर चर्चा होनी है। ये बैठक अपने आप में काफी अहम है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम को आमंत्रण जो है वो दिया गया है और राज्यों के उपराज्यपाल भी बैठक में शामिल होंगे। तो 2047 में भारत कहां पर होगा, कहां मौजूद होगा, 2047 के विजन को रखकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी है, यानी कि भविष्य में आने वाले 25 सालों में भारत कहां स्टैंड करेगा उसको लेकर बैठक में चर्चा जो है की जाएगी और किस तरीके से उसको लेकर काम किया जा रहा है प्रदेशों में, उसको लेकर चर्चा जो है संभव बताई जा रही है। तो इन दूसरी ओर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी बैठक से किनारा किया हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर बात करें तो पंजाब और दिल्ली में सरकार है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक से किनारा कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बैठक से किनारा किया हुआ है। तो लगातार आपको बता दें कि 4 राज्यों के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने बैठक से किनारा किया है। वहीं दूसरी ओर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम को आमंत्रण भेजा गया है और सभी राज्यों के उपराज्यपाल भी बैठक में शामिल होंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, अपने पॉइंट्स जो है वो रखेंगे। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच है सामने आई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल, ममता बनर्जी, भगवंत मान बैठक से किनारा कर चुके हैं। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण कौशल को लेकर चर्चा होगी।